परिस्थितियों में हमारा साथ जिन्हें देना चाहिए था उन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसके बावजूद ये फिल्म यहाँ तक आई है और ईश्वर और पुरी साहब की कृपा से ये फिल्म लोगों तक जाएगी और लोगों को पसंद भी आएगी। थैंक यू सीमा जी। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। हमारे फिल्म के गाने आपने सुने, आपको लगा होगा ये गाने आज के दौर से कुछ डिफरेंट है। इसमें मेलोडी है, इसमें सूफी टच है, इसमें थोड़ा मॉडर्न टच भी है और इसमें भजन सम्राट का कॉमिक भजन भी है जो पहली बार उन्होंने कॉमिक भजन नहीं गाया है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, कोई भी गाने की सबसे पहले शुरुआत होती है लिरिक्स से, वो गाने की रूह होती है। तो हमारे सब गानों के लिरिक्स बहुत सुंदर है, वहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद बंदिश। तो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उसके बाद में जो सिंगर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन गानों को गाया है। तो हमने आनंद जी भाई जो कि लिविंग लीजेंड और सीनियर मोस्ट बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको अनुप जी ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ पधारे हैं। उनके हाथों से उनका हम स्वागत कराना चाहते हैं। तो ओवर टू हिमांशु भाई, आप आगे बढ़िए। और हमारे फिल्म से जुड़े लोगों को एक मोमेंटो देखें। अरे पुष्कर, पीछे ए पुष्कर, ए पुष्कर, पुष्कर पुष्कर आ पीछे, ए पुष्कर थोड़ा पीछे 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 आ गया। अरे जब आगे आगे जाते रहते तो ईश्वर का भाई पुष्कर। सबसे पहले हम गनी मोहम्मद सर को बुलाएंगे, अली साहब को। गनी मोहम्मद जी जिन्होंने इस फिल्म के 3 गाने किए हैं और छोटे जी को समीर प्लीज, समीर गनी प्लीज आइए। और जो आपने कव्वालियां भी सुनी वो गनी सर ने गाया है। तो वो जो कव्वाली है निखिल कपूर जी ने लिखी है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो भी। और शेरगिल से रिक्वेस्ट करूंगा जो कव्वाली जिन्होंने साथ में गाई वो भी स्टेज पर आए। शेरदिल
ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरी कि मैं इन लोगों के बीच में खड़ा हूँ, तो इस कवाली की एक लाइन है वही मैं गा देता हूँ थोड़ी सी। सभी इन्होंने भी एक एक गाना जो है बहुत खूबसूरत गाया है, सैड वर्सन उसका कौन सा गाना, तेरा इशारा दे दे, जो जावेद अली ने गाया है और सैड वर्सन समीर ने गाया है। समीर बहुत ही टैलेंटेड लड़का है और गनी साहब का पुत्र है। ये सारे गापा का लिटिल चैंप बना हुआ है समीर। मैंने ये सौभाग्य पहले पा लिया है आपसे, आप एक कॉलेज में एज अ गेस्ट आए थे वो, और वो कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था परफॉर्म करने, तो मैं उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था और वो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं आपके गानों का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उस बात को मैं जाहिर नहीं कर सकता शब्दों में। तो मैं अब गाना तो इतने बड़े लोगों ने गा दिया तो मैं कह रहा हूँ ये गुस्ताखी ज़रूर माफ़ करेगी। अखियां वे अखियां वे रंग सेरा रस्ता निहारे तेरा, तकिया वे तकिया वे रूप सुनेरा सपना सजा के तेरा, एक बार तो आजार जोड़ जरा तेरा इशारा दे दे जीने का सहारा। म्यूजिक अली गनी की जोड़ी ने दिया है भैया, तो अली अली साहब आज नहीं, सॉरी एक जो गाया था स्टेज में ही गाया जाता है, तेरे बिना जीने का सहारा नहीं है, हम गाते हैं उसमें सारा सिर्फ सांस का होता है, तेरे बिना जिया नहीं, सही पीछे जो गाना है सही है, गाते रहो। क्या बात है आनंद जी, तो तीन गाने अली गनी साहब की टीम ने दिया है, तो आज अली साहब यहाँ नहीं है तो उनके बदले उनके पुत्र अमजद अली ये है, उनको मैं बोलना कि वो शुक्रिया करें। हमारा सबसे पॉपुलर गाना जो हुआ है नैना लागे, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग जो शान और मधुश्री जी ने गाया है और राज प्रकाश ने इसका संगीत किया है, और इसके साथ साथ उसमें टीचर सिंगर जो है वो विक्रांत भरतिया वो हमारे बीच है, तो मैं मधुश्री जी राज प्रकाश और विक्रांत को स्टेज पे आने का निमंत्रण देता हूँ। नैना लागे सॉन्ग की रूह समीम शाह वो लिरिसिस्ट हैं, समीम शाह के लिए एक जोरदार तालियां। राज आप सुनाइए। थैंक यू सर।